हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस लैपटॉप के बारे में, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैंने लैपटॉप का रिव्यू वगैरह किया था। एंड मैंने आपसे बोला था कि इसमें मैं गेम का रिव्यू भी करके दिखाऊंगा, तो फाइनली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फ्री फायर मैक्स यहाँ पे ओपन करके रखा है। आप देखो वीडियो को देख लो तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग लैपटॉप लेना चाहते हो या फिर लेने वाले हो या फिर जितने भी यहाँ पे पीसी प्लेयर वगैरह खेलते हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अगर आप लोग पूरा अच्छे से देखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी जो शायद आपको अभी तक नहीं मालूम थी। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक फीचर के साथ विदाउट एनी इंट्रो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्री फायर मैक्स यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, इसका मैंने मेरा जो मेन फोकस था इस लैपटॉप का, ये जो ये लाइटिंग थी ना साइड में एंड कीबोर्ड पे, देखो कीबोर्ड की लाइटिंग तो हर लैपटॉप में मैक्सिमम लैपटॉप में मिल जाती है जिस रेंज में मैंने लिया है, बट ये जो लाइटिंग थी ना ये सिर्फ SSROG स्ट्रिक्स वाले सीरीज में ही मेरे को मिल रही थी। एंड इसके अलावा भी टफ गेमिंग का भी लैपटॉप था, बहुत सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप थे, लेकिन वो सब मेरे को मतलब उतना पसंद नहीं है। अब देखो भाई गेमर हूँ तो थोड़ा सा गेमिंग वाली फील तो आपको यहाँ पे आनी चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लाइटिंग वाला लैपटॉप लिया, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के जैसे ही ऑफ हुआ वैसे ही मैंने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं इसका लाइटिंग का थोड़ा सा फीचर आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने RGB लाइटिंग सेट की हुई है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑरा शेडिंग का, यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन इसका मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे CPU कूलिंग वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका मैं सारे यहाँ पे सारी लैपटॉप का सारा रिव्यू भी दूंगा एंड बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑरा सिंक पे हम जब क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ऑरा इफेक्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे देखो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है स्टैटिक का, यहाँ पे स्टैटिक जब आप सेट करते हो ना तो ये जो लाइटिंग है वो एक कलर में सेट हो जाती है, मतलब यहाँ पे कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह नहीं होते, कोई इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, एंड ये लाइटिंग सिर्फ एक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे इसका कलर भी आप यहाँ से क्लिक करके जो भी आपको कलर पसंद आता है वो कलर आप अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। एंड जब इसको आप लाइट बंद कर दे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने अपने रूम में पूरा अंधेरा कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आए यार। एंड यार लाइट में भी जब इसको आप ओपन करोगे ना, जब लाइट ऑन करके इसको ओपन करोगे तभी भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इसका ऑरा इतना ज़्यादा है कि ये मतलब लाइट ऑन रहेगा फिर भी यहाँ पे आपको RGB लाइट पूरा यहाँ पे दिखेगा, जो कि काफ़ी कूल लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में इसको मैं ले गया था एंड वहाँ पे मतलब एकदम जलवा ही बन गया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है, ठीक है। अभी ये देखो ये मैंने लाइटिंग सेट किया जो कि स्टैटिक लाइट है, कोई भी ये कलर आप सेट कर सकते हो, कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ब्रीदिंग का मिल जाता है, ब्रीदिंग यहाँ पे अपने हिसाब से ये ब्रीद होते रहता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, आप कोई नॉर्मल कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर रैंडम अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज होते रहता है, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग इफेक्ट वाला है ये मेरे को उतना पसंद नहीं आया, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का लग रहा था तो मेरे को उतना ये अच्छा नहीं लगा, बट दिया है ऑप्शन तो भाई इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोबिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रोबिंग वाले में थोड़ा सा यही जो लाइटिंग वो फास्ट हो जाती है, ठीक है, कलर चेंजेस जो होता है ब्रीदिंग का थोड़ा सा फास्ट वर्जन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर साइकिल मिलता है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कलर साइकिल। यहाँ पे कलर साइकिल में क्या होता है, स्लोली स्लोली करके आपका जो कलर है जो इफेक्ट है इसका वो धीरे धीरे चेंज होते रहता है अपने आप, ठीक है। एंड ये देखने में काफ़ी कूल लगता है, ठीक है। एंड ये जब आप गेम वगैरह खेलते हो तब इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं ज़्यादा होता है एंड ये कलर स्मूथली चेंज होता है एंड गेमिंग वाली फील भी आपको देखने के लिए मिलती है बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि काफ़ी मस्त लगता है। उसके बाद यहाँ पर रेनबो सेटिंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक पूरे कीबोर्ड पे यानी यहाँ पे साइड में जितने भी जगह पे यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है ना यहाँ पे आपको रेनबो सेटिंग देखने के लिए मिलती है एकदम, आपको यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी का सारे कलर यहाँ पे आपको शो होंगे अगर कीबोर्ड पे देखोगे तो एक रेनबो वाला फील आता है। अभी देखो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो कर सकते हो, तो मेरे को ये वाला कलर काफ़ी सही लगता है इसलिए मैं ये वाला कलर हमेशा चूज करके रखता हूँ। यहाँ पे अपने स्पीड में यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी रेनबो वाली फीलिंग देगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, काफ़ी मस्त लगता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अभी अगर बात कर लेते हैं स्टेरी लाइट की, तो स्टेरी लाइट यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का दिखता है, जो कि अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो तो काफ़ी यहाँ पे सही लगता है उस टाइम पे, गेमिंग वगैरह में इसमें मज़ा नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक मोड भी आपका दिया हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे टोन चलेगा उस हिसाब से यहाँ पे म्यूज़िक यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे म्यूज़िक को बजा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे चलो मैं आपको एक म्यूज़िक बजा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको साइड कर देता हूँ, इसको भी साइड कर देता हूँ एंड एक म्यूज़िक मैं यहाँ पे आपको बजा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई भी NCS म्यूज़िक, क्योंकि यार देखो ऐसे तो मैं कोई भी म्यूज़िक बजा नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका साउंड चेक भी हो जाएगा इसी हिसाब से। तो यहाँ पे देखो मैं एक म्यूज़िक प्ले कर,
सो अभी मैंने इसका जो साउंड है वो म्यूट कर दिया है। क्या ही है यार, सो भाई देख सकते हो ये कुछ इसका साउंड इफेक्ट था, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप का यहाँ पे म्यूज़िक जो कि काफ़ी कूल लगता है, आपने देखा यहाँ पे बेस के साथ जो इसका चेंजेस होता है ना वो काफ़ी सही लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे म्यूज़िक अपने हिसाब से बजता है। अब ये देखो हल्के हल्के जो यहाँ पे आ रही है ना वो यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने फ्री फायर चालू किया हुआ है, इसके म्यूज़िक के हिसाब से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको साउंड इसका थोड़ा चेक कर देता हूँ, सो इस टाइप की यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे फील आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप इसमें इसको करके आप गेम वगैरह में खेलते हो, जो आपका साउंड इफेक्ट आता है गन वगैरह का, वहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे इसका लाइटिंग जलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट पे चलते हैं, स्मार्ट में यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पे जलेगा। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो CPU का यूसेज है उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होता रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान लो आपका CPU का जो हीटिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे बताता रहेगा कि इस अगर आप मान लो बहुत हैवी गेमिंग करते हो एंड आपको पता नहीं है कि आपका CPU कितना हीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कलर। जैसे मान लो अगर आपका CPU जो है 20% से नीचे रहा तो फिर आपका यहाँ पे ग्रीन रहेगा, ठीक है। अगर उससे ऊपर जाता है 40-60 रहता तो यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा इसी कलर का। एंड उससे ऊपर जाता है 60 से ऊपर जाता है अगर इसका हीटिंग पॉइंट तो ये फिर रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ सेटिंग कर सकते हो जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का है, मेरे को काफ़ी सही लगा ये। उसके बाद यहाँ पे एडेप्टिव कलर, तो यहाँ पे अपने जो भी आपका आसपास के एरिया उस हिसाब से यहाँ पे कलर ये जो है नॉर्मल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके आई स्टेन में प्रॉब्लम ना हो। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड डार्क पे कर देते हो तो ये सारी लाइटिंग बंद हो जाती है। तो इसको मैं जब भी मैं गेम वगैरह खेलता हूँ तो मैं यहाँ पे एक तो कलर साइकिल ऑन कर लेता हूँ जो कि मेरे को काफ़ी सही लगता है, या फिर यहाँ पे रेनबो कलर में ऑन कर लेता हूँ जो कि मेरे को काफ़ी सही, दोनों मेरे को काफ़ी सही लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कलर साइकिल ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे कलर सेटिंग। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ गेम के बारे में, इसमें जो गेम है ना वो मतलब इसका स्मूथनेस है वो कैसा रहता है एंड यहाँ पे गेम वगैरह कैसा चलता है। तो देखो भाई यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेटिंग दिखा देता हूँ गेम की। फ्री फायर मैक्स मैंने ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आपको चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको मैक्स पे रखा हुआ है ग्राफिक्स का है, रेजुलेशन को मैंने हाई पे रखा हुआ है एंड शेडो को मैंने ऑन रखा हुआ है, फिल्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है, हाई FPS में मैंने रखा हुआ है, मतलब सारी सेटिंग्स मैंने एकदम हाई पे की हुई है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या इसमें लैगिंग वगैरह होती है। पहले तो क्वालिटी देखो यार, एक नंबर जहर मेरे को ये लैपटॉप यार। मेरे को जब भी मैं इसको जब लाया था ना तो थोड़ा सा मैं उदास हो गया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप या फिर बोल सकते हो हल्का फुल्का लैगिंग टाइप का कुछ यहाँ पे हो रहा था। बट थोड़ा बहुत अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपडेट वगैरह दिया एंड उसके बाद सारे चीज़ें जब मैंने अपडेट कर लिया सारे ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ, उसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छा एकदम बीस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है गाइस। मेरे को मज़ा आ जा रहा है खेलने में, सही बात। अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में चलता हूँ मैं, ठीक है। एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में चल के फिर मैं आपको एक आध दो गेम प्ले यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, गेम प्ले थोड़ा सा करके यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो मैं गेम प्ले करने वाला हूँ, ठीक है, ये इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एमुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है ब्लू स्टिक। में आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे आपके लैपटॉप के हिसाब से। सबसे देखो फ्री फायर मैक्स के लिए ना सबसे बढ़िया जो वर्जन है ब्लू स्टिक का वो है ब्लू स्टिक 5। ब्लू स्टिक 4 भी मैंने इस्तेमाल किया, ब्लू स्टिक 10 भी मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन ब्लू स्टिक 5 और 5 के मुकाबले कोई नहीं था, ठीक है। ब्लू स्टिक 4 भी उतना मतलब चल रहा था बट हल्का फुल्का लैगिंग देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो गेम परफॉर्मेंस देखो भाई, क्या ही मतलब। अभी तो मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे को एक हफ्ते हुए लिए हुए एंड यहाँ पे मैं लाइव वगैरह भी कर रहा हूँ, इससे लाइव स्ट्रीम करने के साथ मैं खेल रहा हूँ गाइस। आप लोगों ने लाइव पे तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो देखना, रोज़ मैं लाइव करता हूँ एंड लाइव स्ट्रीम करने के साथ जब मैं इस पे खेल रहा हूँ तब भी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। गेम एकदम बीस्ट चल रही है, ठीक है। बस आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से बेस्ट यहाँ पे चूज़ करना चाहिए जो है ब्लू स्टिक का वर्जन, ठीक है, या फिर जो भी एमुलेटर आप यूज़ करते हो। तो मेरे को ब्लू स्टिक काफ़ी सही लगा फ्री फायर मैक्स के लिए क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल किया एंड जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा, मज़ा आ गया। अब गाइस देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप लोग लैपटॉप लेना चाहते हो तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जो लोग भी लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि देखो मेरे को इसमें इसके बारे में गेमिंग लैपटॉप के बारे में थोड़ी जानकारी है अच्छी खासी, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे प्राइस रेंज में डिस्काउंट के साथ मैं यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ बढ़िया लैपटॉप आपके प्राइस रेंज के अंदर।
अगर आप लोग भी लैपटॉप लेना चाहते हो या लेने के लिए सोच रहे हो, जब भी लेने वाले हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इस पर मैं वीडियो बना दूं कि एक अच्छे प्राइस रेंज, चाहे अंडर 40,000, चाहे अंडर 50,000, 60,000, जितना भी आपका रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर 2-3 वीडियो बना दूं, ताकि उसमें बेस्ट लैपटॉप कौन से हैं जिसका लुक एंड फीचर एक नंबर हो गाइस, एकदम आपके लिए, एंड लेने के बाद आपको कोई भी पछतावा ना हो, ठीक है। एंड देखो भाई, ये लैपटॉप है ना, इसका रियल कॉस्ट 1,21,000 का है, जो कि आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका मैं सबसे पहले फीचर बता देता हूँ, फीचर तो वैसे मैंने बता ही दिया उस वीडियो में, बट इसमें मैं फीचर एक बार फिर से बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा साउंड में कम कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे आपको इस लैपटॉप में आपको देखने के लिए मिलेगा राइजन 7 का प्रोसेसर, ठीक है, 4800H। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले 4GB का GPU, मतलब ग्राफिक कार्ड, यहाँ पे 4GB का NVIDIA RTX 3050 Ti देखने के लिए मिलेगा, मतलब समझ लो ये लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट GPU है। इसके पहले इससे एक और लेटेस्ट है RTX 3060, लेकिन उससे अभी वो जस्ट निकला है, तुरंत हाल ही फिलहाल में निकला है। RTX 3050 अब तक के लिए बोल सकते हो लेटेस्ट है, RTX 3050 Ti है ये, जो कि लेटेस्ट वर्जन है ग्राफिक कार्ड का। एंड ये 4GB ग्राफिक कार्ड इसमें है, 16GB इसमें अब मेरा इंटरनल रैम है, ठीक है, 1TB SSD है इसमें, SSD जो कि लगा 1TB का। एंड गेमिंग लैपटॉप के लिए यार SSD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी तो स्क्रीन देख सकते हो आप, 17 इंच का स्क्रीन है इसका, एंड बहुत ही बीस्ट गेमिंग इसमें चल रही है। अभी तक मैंने PUBG नहीं टेस्ट किया है, एंड मैं यहाँ पे और भी सारी गेम वगैरह चेक करूँगा, तो मेनली मैं यहाँ पे फ्री फायर खेलता हूँ, सिर्फ फ्री फायर मैंने चेक किया। एंड मुझे यहाँ पे GTA 5 भी चेक करना है, गॉड ऑफ वॉर वगैरह भी चेक करना है, मतलब जितने भी हाई लेवल के गेम है ना, वो मेरे को चेक करना है, चेक करना है कि इसका कितना हाई परफॉर्मेंस दे सकता है गाइस। बाय द वे, लाइव स्ट्रीम वगैरह करने के लिए एक नंबर है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग भी परचेज करना चाहते हो या फिर चेक करना चाहते हो, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। लुक के मामले में गाइस, कोई भी अब तक का लैपटॉप मेरे ख्याल से तो इसके मुकाबले नहीं है गाइस, इस प्राइस रेंज के अंदर, मैं इस प्राइस रेंज के अंदर बात कर रहा हूँ। एंड ASUS ROG G-Strix का जो यहाँ पे सीरीज है, वही सिर्फ इस टाइप की लाइटिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम लैपटॉप आपको कीबोर्ड पे लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे, बट इतने औरे के साथ एंड इतना बढ़िया नीचे भी लाइट लग के साथ, आपको सिर्फ ASUS ROG G-Strix सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरे को काफ़ी सही लगा, एंड एक गेमर्स के लिए यार एक काफ़ी अच्छा लुक है, अगर आप लोग लैपटॉप के लिए जाते हो तो, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। एंड एक चीज़ और मैं आपने बोला था बताने के लिए, देखो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता होगा कि जब भी हम लोग लैपटॉप से खेलते तो क्या उसमें हम लोग मोबाइल प्लेयर के साथ नहीं खेल सकते हो गाइस? मोबाइल प्लेयर के भी साथ खेल सकते हो, बट यहाँ पे जब भी आप लोग रैंडम मैच खेलोगे ना, तो आपके सामने वाले जो एनिमी आएंगे वो मैक्सिमम आपको समझ लो 99% तक PC प्लेयर ही आएंगे। जी हाँ गाइस, मैक्सिमम PC प्लेयर ही आएंगे, बहुत ही कम मोबाइल प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो PC या लैपटॉप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड इसमें आप एमुलेटर ब्लूस्टेक यूज़ करते हो, तो आप ID बैन वगैरह होने का कोई डर नहीं है। कुछ लोग के मन में सवाल रहता है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी खेलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे जो आपको देखने के लिए मिल गए। एंड अगर आपको लैपटॉप कोई ख़रीदना है, लैपटॉप गाइड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इस लैपटॉप के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। थोड़ा सा दिल को खुशी होती है यार, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इस लैपटॉप के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, एंड क्या इसमें बेकार आपको लग रहा है। बेकार मत करना यार, मुझसे दिल टूट जाता है, ठीक है, सोचने पे, मतलब कहीं मेरा पैसा बर्बाद नहीं ना हो गया। तो हाँ, लैपटॉप का कॉस्ट आपको 86,000 का लैपटॉप पड़ जाएगा, जो कि मैंने 86,000 का लिया है, ठीक है, ऑफ चल रहा था। तो इसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो जाके इसको ले सकते हो, ठीक है। एंड बस आज के वीडियो में बस इतना, होप आपका वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, ठीक है, आपको एक एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो, जिस टॉपिक पे भी आप लोग चाहते हो, तो जरूर सजेस्ट करो, ठीक है, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।